I have three more requests. I am allowing them 3 minutes each. Srimati, now listen. Three more requests. I am allowing 3 minutes each. You don't allow me to speak. Sit down. Allow me to say. See, I said I have 3 more requests. I am allowing them 3 minutes each. Number 1 is Srimati Chhaya Verma. Number 2, Sri La Ganeshan. Number 3, Sri VP Nishad. After these three, then we will take a special mention. And tomorrow, by that discussion is over, reply is tomorrow at 3 p.m. 3 to 4 is reply, 1 hour. It is limited to 1 hour. So minister has to manage within 1 hour. And 2 to 3, we will take up this collection of statistics amendment bill. That is 1 hour bill. It is only a technical bill. No. 1 hour is not enough for the minister, because he has not replied the last time also. Okay. So give him some more time. All right. 1 hour is not enough. All right. I only gave a suggestion. Jayaramji, what I said is only a suggestion. Okay? A guidance to the minister. Now, Srimati Chhaya Verma. बहुत बहुत धन्यवाद सर अंतिम वक्ता ही सही आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं अपने कालीथा जी और गुलाम नबी आजाद साहब को धन्यवाद देना चाहूँगी पूर्व वक्ता ने 2 बजे से इस विषय पे डिस्कशन चल रहा है पुरानी बातों को मैं नहीं दोहराऊंगी मैं अपनी बात रखना चाहूँगी भारत कृषि प्रधान देश है और किसानों की समस्या को 3 मिनट में मुझे बोलना है कृषि ही जिनकी किसानों की कृषि ही उनकी शक्ति है कृषि ही उनकी भक्ति है कृषि ही उनकी निद्रा है और कृषि ही उनका जागरण है सर लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है किसानों की जो दुर्दशा आज भारत में हो रही है किसी से छुपी नहीं है आपने जीएसटी लागू किया WBM गाड़ी का कीमत आपने कम कर दिया जीएसटी में और ट्रैक्टर जो किसानों का औजार है उस ट्रैक्टर की कीमत आपने बढ़ा दिया किलोस्कर पंप जो किसानी में काम आता है किलोस्कर पंप की कीमत आपने कम किया जीएसटी में लेकिन उस किलोस्कर कंपनी वाले ने उसका रेट बढ़ा दिया तो इसमें फायदा किसानों को कुछ भी नहीं हुआ किसानों की हालत बहुत खराब हुई यूरिया खुले मार्केट में कम रेट में मिल रहा है लेकिन सोसाइटी में उसी खाद की कीमत चाहे यूरिया हो चाहे ग्रोमोर हो खाद की कीमत अधिक मात्रा में मिल रही है किसान पढ़ा लिखा नहीं रहता बस वो जाता है सोसाइटी में दुकान में और बोलता है मुझे 1 बोरी ये वाली खाद दे दो और वो खाद लेके चला आता है क्योंकि उसकी कीमत किसान को जब धान आता है तब वो कीमत चुकाता है उसे मालूम नहीं रहता और वो पूछता भी नहीं और खुले मार्केट में कम रेट में है खाद का कीमत सर मैं अब सभी लोग अपने अपने स्टेट की बात किए मैं भी छत्तीसगढ़ के बारे में 2 लाइन कहना चाहूँगी विधानसभा चुनाव के ठीक पहले वहाँ के मुख्यमंत्री ने अपने घोषणा पत्र में चुनाव के घोषणा पत्र में लिखा था कि मैं किसानों का एक एक दाना धान खरीदूंगा और समर्थन मूल्य में खरीदूंगा और 300 रुपये बोनस दूंगा सारे किसान ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया और चुनाव के बाद आज तक 4 साल बीत गया आज तक किसानों को न समर्थन मूल्य में धान मिला न बोनस मिला और न ही उनका एक एक दाना धान खरीदा गया वहाँ के किसान आज ठगे सा अपने आप को महसूस कर रहे हैं छत्तीसगढ़ को किसी जमाने में धान का कटोरा कहा जाता था लेकिन आज वहाँ पे धान नहीं है केवल किसानों के पास कटोरा रह गया है वहाँ पे 954 किसान एक साल में आत्महत्या किए जो भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ था वो अब जाके हुआ सर वहाँ के किसान एक कुरुद गांव का एक किसान उसकी 4 बेटी है वहाँ का किसान जब आत्महत्या किया तो पुलिस वहाँ गई पूछने के लिए कि आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता था क्या तो लड़ाई झगड़ा तो किसके घर में नहीं होती उसकी पत्नी ने कहा हाँ कभी कभी मन मुटाव हो जाता था
आपके पति कभी दारू पीते थे क्या? उसने कहा नहीं नहीं पीते थे, कभी कभार पी लेते थे। दूसरे दिन बड़े बड़े अखबार में छप गया कि इसके घर में आपस में मन मुटाव था, झगड़ा होता था, दारू पी के इसने सुसाइड कर लिया। मतलब ये था कि सरकार को मुआवजा ना देना पड़े, उसने गलत उसका गलत गलत बात रखी और सरकार को मुआवजा देना ना पड़े। उस शासन के एक भी कर्मचारी अधिकारी उसके घर में नहीं गए, पुलिस जाके और उसके घर के लोगों को प्रताड़ित करती रही। इसी तरह 954 किसान जो वहाँ पे सुसाइड किए हैं, अधिकांश इसी तरह प्रताड़ित होते रहे हैं। सर वहाँ पे किसानों की हालत बहुत दयनीय हो गई है, बहुत गुजरी हुई बहुत ही विषम परिस्थिति में वहाँ के किसान जीवन यापन कर रहे हैं। और जहाँ अभी मंत्री जी बोल रहे थे कि हम पानी दे रहे हैं, मैं बताना चाहूँगी कि छत्तीसगढ़ में बहुत सारे उद्योग लगे और नदी का पानी उन उद्योगों को उद्योगपतियों को जा रहा है और किसानों को दो फसल तो दो फसल एक फसल तक के लिए उन्हें सही तरीके से पानी नहीं मिल रहा है। वहाँ के किसानों की हालत बहुत ख़राब है। सर मैं बस ये कहना चाहूँगी कि अगर भारत में हमारे भारत के किसान खुशहाल नहीं रहेंगे तो हमारा भारत संपन्न नहीं हो सकेगा, हमारे भारत के लोग खुशहाल नहीं हो सकते। आपने बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। धन्यवाद।